डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने कृतिका पाठ्य पुस्तक में से पाठ एक माता का अंचल पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय जी। शिव पूजन सहाय जी द्वारा लिखित माता का अंचल उनके उपन्यास का ही अंश है। इस पाठ में लेखक ने माँ की ममता के साथ साथ, माँ के ममतव के साथ साथ ग्रामीण संस्कृति के बारे में भी बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि समाज में युवा जहाँ मौज मस्ती करते हैं, समाज में युवा वर्ग जहाँ मौज मस्ती करता है, वहाँ बुजुर्ग लोग कठिनता से जीवन यापन कर पाते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि उसके पिता सुबह उठकर स्नान कर पूजा पाठ करने जाते, वे लेखक तथा उसके भाई को भी पूजा स्थान पर बैठा लेते थे। पूजा के बाद पिताजी उनके माथे पर भभूत लगाते और खुद रामायण का पाठ करते, और इसके बाद वो राम नाम वही पर 1000 बार राम नाम लिखते थे। बाबूजी द्वारा गंगा में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते समय दोनों भाई उनके कंधों पर बैठे हंसते थे। कभी कभी बाबूजी उनसे कुश्ती करते थे। वे दोनों अपने बाबूजी की लंबी लंबी मूछों के साथ खेलते थे। बाबूजी प्यार से उन्हें चूमते थे, लेकिन कई बार जो पिताजी उन्हें खाना खिलाते थे लेकिन माँ को तसल्ली नहीं होती थी। यहाँ पर यह बताया गया है कि माँ की ममता अलग ही होती है। माँ बड़े प्यार से बच्चों को तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें दही भात खिलाती थी, और उनके सिर में जो था, कई बार लेखक के माता उन्हें पकड़ लेती और जो है सिर में कड़वा तेल, मीन सरसों का तेल लगा देती, माथे पर काजल की बिंदी और एक जो है सिर पर फूलदार लट्टू भी बना देती थी। ये सब के बावजूद बच्चा बहुत रोता था, लेकिन जैसे ही उसे अपने मित्रों की हंसी सुनाई देती तो वो सब अपना रोना धोना भूल जाता था। यहाँ पर बच्चे की जो है क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है कि बच्चे जो हैं आपस में मिलजुल कर जब खेलते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ही बच्चे जो हैं घर घर खेलते थे, जैसे मिठाइयों की दुकान जिसमें पत्ते की पूरियां बना लेते थे बच्चे, मिट्टी की जलेबियां आदि मिलती थी। यहाँ पर यह भी बताया गया कि अब के जो बच्चे हैं और पहले के जो बच्चे अपने खेल खिलौने अपने घरों में से ही बड़ी आसानी से निकाल लेते थे, खेलते थे, लेकिन आज का बच्चा जो है ऐसा नहीं करता। सभी बच्चों के साथ मिलकर वे घर बनाते थे, जिसमें तिनकों का छप्पर, दातुन के खम्भे, दिए की कड़ाही आदि रखे जाते थे। कभी कभी बच्चे जो हैं बारात का जुलूस भी निकालते थे। कैसे? जैसे कनस्तर का वो तंबूरा बना लेते थे, आम के पौधे की शहनाई बना लेते थे, और टूटी हुई चूहे दाने की पालकी बना लेते थे, और समधी बनकर के बकरे पर चढ़ जाते थे। यह बारात एक कोने से दूसरे कोने तक जाती थी। ऐसे ही कभी कभी मित्र मंडली इकट्ठी होकर खेती भी करती थी। इस प्रकार के नाटक वे दिन प्रतिदिन खेला करते थे। एक बार रास्ते में आते हुए उन्हें मोहसिन तिवारी को मिला, जिसे वे बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ाते हैं। मोहसिन तिवारी ने उन्हें गुरुजी के हवाले कर दिया। वहाँ चार लड़कों में से बैजू तो भाग निकला, लेकिन लेखक और उसका भाई पकड़ा गया। यह सुनकर बाबूजी पाठशाला दौड़े आए। गुरुजी से विनती कर बाबूजी ने घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर मित्र मंडली के साथ हो गए, और वो जब कोई फसल उगाते थे खेल खेल में तो वो ये बोलते थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरैया भर भर पेट। इस तरह से बच्चे जो है आपस में मिलजुल कर खेल खेलते थे। एक बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं काफ़ी आंधी चली, और उसके बाद जो है बच्चे आम तोड़ने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो एक टीले पर जाकर लेखक और उसके मित्र जो है चूहे के बिल में पानी डालने लगते हैं,
लेकिन होता क्या है कि वहाँ चूहा तो निकलता नहीं लेकिन सांप निकल आता है, जिसे देखकर बच्चे सकपका जाते हैं, डरते हैं, रोते चिल्लाते वहाँ से भाग चलते हैं, कोई गिरता है, कांटों में चलते हैं और इस तरह से वो खून से लथपथ हो जाते हैं। तो जैसे ही लेखक भी दौड़ा, गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि बाबूजी बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। लेकिन बच्चा जो है, पिताजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, लेकिन बच्चा वहाँ रुका नहीं। बच्चा कहाँ गया, अपनी माँ की गोद में, और जाकर के एकदम से माँ की गोद में चढ़कर और खूब रोने लगा। माँ भी उसे देखकर बड़ा दुखी हो जाती है, कभी उन्हें कभी अपने आंचल में छिपाती, कभी प्यार करने लगती। माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर लेखक और उसके भाई के घावों पर लगाई। उनका शरीर कांप रहा था, आंखें चाहकर भी न खुलती थी। बाबूजी दौड़कर उन्हें गोद में लेने लगे, लेकिन वे अपनी माँ के आंचल में ही छुपे रहे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया है कि बच्चा जब विपदा के समय, पिता बेशक कितना भी प्यार करता हो बच्चे को, लेकिन माँ की जो ममता है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और यही था, इस तरह से इस माता का अंचल जो है, इस पाठ का जो शीर्षक है, बिल्कुल उपयुक्त है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में से जो है आंतरिक क्वेश्चन खुद बनाओगे, अपनी नोटबुक पर, फेयर कॉपी पर लिखोगे। धन्यवाद।